अच्छा वेलकम बैक। तो अभी हमारा जो लेक्चर है ना वो है अबाउट ग्राहम्स ला। इस ला में मैं आपको कुछ एमसीक्यूज भी बताऊंगा, ठीक है ना, जो कंफर्म एमसीक्यूज होंगे आपके एनएमडी गेट में, ठीक है। और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह ये फार्मूला डिफरेंट रिलेशन है इसमें, ठीक है। एक तो आपके बुक में कॉमन सा गिवन है, लेकिन वो कैसे आया है, उसमें क्या है, क्या चीज़ें है उसमें, ठीक है, वो सब आप लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना ग्राहम्स ला में क्या कहते हैं कि हमारे पास अगर हम दो गैसेज है, ठीक है ना, दोनों का अगर रेट हम फाइंड करना चाहें तो इसका जो रेट होगा ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉलिक्यूलर मास को इसका, ठीक है। इस तरह अगर हम इसके रेट को फाइंड करें रेट वन बाई रेट टू, तो इसका फार्मूला बन जाएगा एम टू डिवाइड बाई एम वन अंडर रूट, ठीक है। अच्छा अब ये इक्वेशन किस तरह आया हमारे पास, मतलब ये इक्वेशन कहाँ से आ गया, ठीक है ना। हम ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि हम तो कह रहे हैं कि रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, बट किस तरह, ठीक है। इसका ये बात है ना कि अगर हम इसको देखें एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है ना, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमारे पास क्या होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो सेम होती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को इस तरह इक्वेट करें, ठीक है ना, मैंने कर दिया यहाँ पर, तो हाफ यहाँ से कट जाएगा, ठीक है ना, V1 डिवाइड बाई V2, दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू M2 बाई M1, ठीक है। यहाँ से अगर हम V1 बाई V2 फाइंड करें तो हमारे पास M2 अंडर रूट डिवाइड बाई M1 अंडर रूट के बराबर होगा, ठीक है। ये तो ये होगा, इसको मतलब मैं लिख सकता हूँ कि R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू M2 अंडर रूट डिवाइड बाई M1 अंडर रूट, ठीक है। इसी तरह एंटर हम ऑफ डेंसिटी अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो वो है होगा R1 बाई R2 इज इक्वल टू D2 बाई D1। तो जिस तरह जो रिलेशन मॉलिक्यूलर मास का होगा उसी तरह रिलेशन अगर हम चाहें तो इंटर ऑफ डेंसिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बात याद रखना कि हर एक केस में यहाँ पर पी बाई फी होता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी पी बाई फी हमारे पास प्रेशर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है हमारे पास पी बाई फी होता है, यहाँ पर भी मेरे पास पी बाई फी है, लेकिन वो दोनों सेम है तो वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, प्रेशर कांस्टेंट, तो एक दूसरे के साथ कट जाते हैं। लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये फिर हमारे पास P1 बाई P2 होगा और ये हमारे पास M2, तो ये फिर हम लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में MCQs में गिवन हो कि द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना, देन आप उसी केस में ये P1 बाई B2 वहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है ना। बाकी यही फार्मूला है, ठीक है ना, ये किस तरह आया वो उसका तरीका ये है कि इस तरह इस वजह से आता है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सेम ही होता है, ठीक है ना। अच्छा याद रखना एक पॉइंट याद रखना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो तो हो गया, लेकिन एफ इवन पी इज नॉट कांस्टेंट देन क्या होगा, अगर प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब होगा जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है, रेट कांस्टेंटली प्रोपोर्शनल होगा, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर को इन केस, तो इसलिए यहाँ पर P1 by P2 आया। अगर स्टूडेंट कहेंगे ना कि यहाँ पर P2 by P1 क्यों नहीं आया, तो मैंने बता दिया क्योंकि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इफ द P इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस पर एक एमसीक्यू मैं प्रयोग कराता हूँ जो मैं लिख लूँ। अच्छा तो ये क्वेश्चन देखो, ये इस तरह नहीं आएगा, लेकिन मैंने एक एज अ एग्जाम्पल के तौर लिख दिया, ठीक है ना, कि ये नहीं आएगा इस तरह, नहीं है कोई और आसान सा एमसीक्यूज होगा, ठीक है, लेकिन आप एक डिफिकल्ट वाला भी देख लो। हाउ मेनी टाइम फास्टर कैन एनी एटम ट्रेवल एज कम्पेयर टू एक्स ई, आपको क्वेश्चन में 2.5 टाइम्स, ठीक है ना, आपको ऑप्शन में गिवन होगा 3 टाइम्स, ठीक है। तो अब किस तरह हम फाइंड करेंगे, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया फार्मूला देखते कि रेट आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू, हमें तो यहाँ पर अबे हमें जो एक गैस है, ठीक है ना, मुझे उसकी डेंसिटी नहीं गिवन, मुझे इसकी बाकी चीज़ें तो नहीं पता, मुझे जस्ट उसका मास का पता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का मुझे पता है, तो मुझे पता है कि M2 by M1 अंडर रूट होगा, अंडर रूट मुझे पता है M2, हमारे पास अब एन ई आए एक्स ई आएगा, तो एक्स ई का मॉलिक्यूलर मास क्या है वो हमारे पास है, लेट्स सपोज मैंने 130 मान लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है डिवाइडेड बाई एन ई का मॉलिक्यूलर मास, एन ई का कितना होता है 20, मैंने अंडर रूट ले लिया, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली ये हमारे पास 2.5 बनता है, ठीक है ना, तो ये मेरे पास अगर मैं इसको रेशो ले लूँ फिर अंडर रूट ले लूँ तो मेरे पास 2.5 बनता है। आपको खैर क्वेश्चन में एनएमडी कैट में आसान सी वीडियोस गिवन होंगे, लाइक इस तरह 169/3 अंडर रूट, तो इसको 13 अंडर रूट, तो हमारे पास 13 अंडर रूट आता है, ठीक है। तो इस तरह कुछ आसान वीडियो हो गए एनएमडी कैट में, ठीक है, यहाँ पर 2.5 टाइम्स आ गया, तो इसका मतलब ये कि एन ई एस 2.5 फास्ट टाइम फास्टर देन एक्स ई, ठीक है, और ये कॉमन सेंस भी है कि एन ई फास्टर होगा या एक्स ई फास्टर होगा, एन ई फास्टर होगा क्योंकि एन ई का मॉलिक्यूलर मास क्या है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू एक्स ई,
ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, अभी इससे आप स्क्रीनशॉट ले ले, अपने साथ सेव कर ले, ये फार्मूला बहुत जरूरी है कि रेट 1 डिवाइड बाय रेट 2 इक्वल टू m2 डिवाइड m1 ये किस तरह आया। हमने यहां पर आपको ये प्रूव कर दिया कि ये इस तरह आता है कि एट कांस्टेंट टेंपरेचर, जब हमारे पास एक कांस्टेंट टेंपरेचर होता है तो हमने पढ़ा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी अप टू गैसेस सेम होती है। तो जब मैंने इसको सेम कर दिया, इक्वेट कर दिया उससे v1 / v2, उसके वेलोसिटी इन टर्म ऑफ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ रेट, रेट इज बेसिकली वेलोसिटी, ठीक है ना, तो सेम पॉइंट करते हैं। तो ये सब कुछ सारा किस्सा है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।